भारत और रशिया ने वंदे भारत ट्रेन के लिए जिस जॉइंट वेंचर को साइन किया था अब वो शायद खत्म होने को आया है। इसके अलावा चाइना को सौंपी गई 40,000 वंदे भारत व्हील कॉन्ट्रैक्ट को अब खत्म करा जा सकता है। वैसे तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर भारतीय कंपनियों ने मन बना लिया है कि सब कुछ अभी भारत में बनाया जाएगा इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर को। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, यूक्रेन बहुत दिन से ट्रेन के पहिए का एक्सपोर्टर रहा है, पर रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ये सप्लाई चेन रुक गया था और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमें चाइना को सौंपनी पड़ी थी। लेकिन नए रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है क्योंकि भारत के रेल प्लांट को 24,000 व्हील बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि 258 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। और वही दूसरी खबर, यानी कि रशिया और भारत के बीच में हुई जॉइंट वेंचर जो कि वंदे भारत ट्रेन सेट का था, इसमें करीब 120 वंदे भारत ट्रेन सेट्स भारतीय कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन कंपनी ट्रांसपोर्ट होल्डिंग्स की तरफ से किया जाने वाला है। पर दोनों ही कंपनी के बीच में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, जिसमें RVNL का कहना है कि उनके पास 69% शेयर होना चाहिए और रशियन कंपनी के पास 31% शेयर होना चाहिए। दोनों ही कंपनी मेजोरिटी शेयर चाहती है, जिसके वजह से वो एक ही बात पे अड़ी हुई है। होपफुली रशिया इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर देगा, नहीं तो ये जॉइंट वेंचर कैंसिल भी हो सकता है। तो आप लोग इस विषय में क्या सोचते हो नीचे कॉमेंट करके बताओ।